दोस्तों, मैं जेपी भाकर आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज का ये वीडियो मेरा स्पेशल आप लोगों की मांग के ऊपर लाया हूं। जब हमने एक मॉक टेस्ट लाइव किया था तो उस पे कमेंट आ रहे थे कि सर अगला मॉक टेस्ट कब होगा, अगला मॉक टेस्ट कब होगा। इसके अलावा कई दोस्तों का ये भी कहना था जब सर हमें आप पे कितने ही क्वेश्चन क्यों नहीं करवा दो, जब तक आप हमें खुद प्रैक्टिस नहीं करवाओगे कोई मॉडल पेपर की, तब हमें कैसा पता चलेगा कि हमारा पेपर कैसा आएगा। और दोस्तों, आप लोगों की बात भी सही है। मैं अपने एक दोस्त का ही उदाहरण दे देता हूँ। दोस्तों, मेरा एक दोस्त था, बहुत इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट था दोस्तों, और उसको हर क्वेश्चन आते थे दोस्तों। वो एग्ज़ाम देने गया दोस्तों, और उसका एग्ज़ाम का पेपर अच्छा नहीं हुआ। और उसका दोस्तों कारण था सिर्फ एक। उसका कारण दोस्तों यही था कि दोस्तों उसने पहले मॉडल पेपर हल नहीं किए थे दोस्तों। अब दोस्तों, मॉडल पेपर हल नहीं करने का क्या नुकसान होता है? नुकसान ये होता है दोस्तों, कई बार कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन आते हैं। वो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन हम अगर पहले क्लियर कर लेते हैं तो हमें वो कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। पर दोस्तों, अगर हम मॉडल पेपर नहीं मिलाएंगे तो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चनों का हमें पता भी नहीं चलेगा। इसके अलावा दोस्तों, कई हम जल्दीबाजियों में क्या करते हैं, गलतियां करते हैं। और ऐसा ही मेरे उस फ्रेंड के साथ हुआ कि उसने भी जल्दीबाजी में वो गलतियां की, और घर पे आने के बाद में यूं कह रहा था सर पकड़ के, अरे ये क्वेश्चन तो मुझे आ रहे थे, मैंने उस समय किया नहीं। तो मतलब जो एग्जाम का प्रेशर होता है ना दोस्तों, वो आपको कई बार गलत क्वेश्चन करवा देता है। इसीलिए दोस्तों, मैंने सोचा है कि हम 2 घंटे की क्लास लेंगे, लाइव क्लास लेंगे, और उसके अंदर मैं आपको मॉडल पेपर सोल्व कराऊंगा दोस्तों। मॉडल पेपर जिसके अंदर मॉडल पेपर में दोस्तों आपको जो हमारा राजस्थान पुलिस का पैटर्न है उसके ऊपर ही कराएंगे। पर दोस्तों, उसके लिए आपको क्या तैयारी करनी है, मैं पहले बता दूं आपको कि ये चीज तैयारी करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले तैयारी तो यही है कि आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर दिया है और आप पहले ही सब्सक्राइब किए जा चुके हो, तो दोस्तों जो बेल आइकन है पास का, वो आप दबा दीजिएगा। क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा या जब भी मैं लाइव होऊंगा, तो वो बेल आइकन से आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि हाँ, इन्होंने अभी लाइव हो गए हैं या ये अपना वीडियो डाल दिया है। दोस्तों, हमारा मॉक टेस्ट के अंदर क्या रहेगा वो मैं मोटो बता देता हूँ। आपका जो पेज है दोस्तों, ये पेज देखिए, इतना सा पेज है दोस्तों, तो आपको इसका दुगुना मान लीजिए, ये दुगुना पेज दोस्तों, ये इतना ही पेज लेना है आपको। क्योंकि दोस्तों, इस बार होगा जो टेस्ट होगा वो होगा हमारा कंप्यूटर पे। तो दोस्तों, पहले तो क्या होता था, हमारे आंसर शीट थी वो, जो हमारे पास जो पेपर दिया होता था उसी पे हम क्वेश्चन सोल्व कर लेते थे, तो हमारे पास स्पेस बहुत ज्यादा मिल जाती थी। तो दोस्तों, आपको आपका जो पेज है कॉपी का, उसका आधा नोटबुक का जो आधा पेज है वही आपको रब कार्य के लिए मिलेगा। यानी यूं कह सकता हूं दोस्तों, जो आपका प्रवेश पत्र है उसी के पीछे आपको रब कार्य करने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, आपको उसके लिए उस दिन जब आप तैयारी करो तो उस दिन भी आपको वो आधा पेज ही मैथमेटिक्स के जो या रीजनिंग के जो 30 क्वेश्चन है वो निकालने के लिए रखने हैं। अब दोस्तों, मैं आपको पूरे भाग से बता देता हूँ कि भाग ए में हम क्या क्या शामिल करेंगे। दोस्तों, भाग ए में हमारी रीजनिंग और मैथमेटिक्स के ऊपर 30 क्वेश्चन लेंगे, जिसमें हमने चाहे सिलेबस कराया है या नहीं कराया है, सारे क्वेश्चन शामिल करेंगे पूरे सिलेबस के। ठीक है दोस्तों, पुराने पेपर के अकॉर्डिंग में पेपर बनाऊंगा और हम लाइव होंगे। दोस्तों, रीजनिंग फर्स्ट में जिनको पता होगा उनके लिए बहुत बढ़िया बात है, और जिनको नहीं पता है उनको बता देता हूँ। 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 नंबर के होते हैं, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है दोस्तों, और माइनस मार्किंग 1/4 होती है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें अगर हमने एक क्वेश्चन भी गलत किया ना, तो हमारी 1/4 कटेंगे, और एक हमने सही कर दिया ना, तो बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे बढ़िया बात है, आपको रीजनिंग की तैयारी करनी है। अब दोस्तों, आपको क्या करना है कि आपको भाग ए बी सी सबके लिए आप एक पेज के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यूं करते हुए 30 तक आप ए भाग के लिए लिख लीजिएगा, और बे भाग के लिए आप 31 से 60 तक लिख लीजिएगा, और स भाग के लिए आप 61 से 120 तक यूं लिख लीजिएगा। जैसे आप हम आंसर शीट होते हैं ना, जैसे मान लीजिए मैं ए में हमारे पास लाइव में चलेंगे हम, तो आप क्या कर लीजिएगा, ए भर लीजिएगा। जैसे बे होगा दूसरे में, बे होगा तो बे भर लीजिएगा, जैसे तीसरे में द है तो द भर लीजिएगा, अपनी ईमानदारी से। दोस्तों, हम रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए 2 मिनट दूंगा दोस्तों मैं आपको, जब लाइव का टेस्ट होगा तो 2 मिनट आपको क्वेश्चन मिलाने के या देखने के या पढ़ने के जो भी होगा वो आपको होगा 2 मिनट आपके पास। 2 मिनट के आपको एक क्वेश्चन करना है रीजनिंग का। तो दोस्तों, ये तो था रीजनिंग के बारे में कि आपको क्या तैयारी करनी है। आपको एक पहले एक पेज लिख लेना है, पेज पे ये आपको 120 नंबर तक यूं डाल लेने हैं कि जहां पे आप, और जगह छोड़ देनी बीच में जहां पे आप लिख सको ईमानदारी से।
दोस्तों उसके बाद में आपको भाग बह आता है। भाग बह में आपके करंट जीके होगा, जीएस होगा और अदर जो भी हमारे पास सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने देखा था, इंडियन हिस्ट्री भी होगी, संविधान भी होगा, विश्व का भूगोल भी होगा। इसमें दोस्तों 30 क्वेश्चन होंगे, 15 अंक का होता है ये, और सही अंक पर हमें आपको मिलेगा आधा अंक और गलत पे आपको मिलेगा -1/8। और ये होंगे हमारे दोस्तों उस मॉक टेस्ट में भी या सोल्ट पेपर में भी 31 से 60 तक। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है भाग स, और उसके अंदर आता है हमारा राजस्थान जीके, और इस पे आते हैं दोस्तों 60% और अंक हमारे पास है इसमें 30, यानी रीजनिंग के अंकों के बराबर है, पर क्वेश्चनों की संख्या कितनी होगी 60 और उसमें कितने थे 30, और सही पर मिलते हैं हमें आधा अंक और गलत पे मिलता है 8, यानी 8 गलत करेंगे तब हमारे एक क्वेश्चन का नंबर कटेगा। दोस्तों अब दोस्तों हमने रीजनिंग का तो बता दिया कि हम 2 मिनट लेंगे, रीजनिंग हम कितने लेंगे 2 मिनट लेंगे, पर इन क्वेश्चनों में हम 30 सेकंड ही लेंगे, 30 सेकंड में आपको इसका आंसर देना होगा। और इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में भी ऊपर मेरे साथ देंगे कि हाँ सर इसमें ये होगा ये होगा ये होगा, आप अपने अनुमान के हिसाब से, और आप उसमें नोट शीट में जो आपने जो मैंने बताया था कि आप 1 से 120 तक लिख लेंगे, उसके अंदर भी आप एबसद अपनी ईमानदारी से भरते हुए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपके नंबर किस प्रकार से आएंगे और आपको राजस्थान पुलिस में नंबर क्या मिलेंगे वो बता देता हूं। दोस्तों दौड़ के आपको 5 से 15 के बीच में मिलेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 5 नंबर लाते हो कि 15 नंबर लाते हो। इसके अलावा अगर आपकी एनसीसी है तो आपको 5 अंक मिलेंगे, और आप होमगार्ड हो तो आपको भी 5 नंबर मिलेंगे। ये अलग अलग एबीसी के हिसाब से था, आप देख ही ले चुके होंगे। इसके अलावा जो दोस्तों पिछली 2013 की कट ऑफ थी वो मैं आपको बता देता हूँ, वो हम रही थी 70 से 72 पॉइंट कुछ तक रही थी सभी जिलों की, ये रही थी 5-6 जिलों की 72 पॉइंट कुछ रही थी और बाकी जिलों की रही थी 70 के आसपास। तो दोस्तों 100 में से बताता हूँ, ये 100 में से रही थी दो और सबके शामिल करने के बाद में जो फाइनल मेरिट थी वो, और इसमें से दोस्तों कई ऐसे थे जो 0.005 से भी बचे हुए थे, 0.25 से। तो दोस्तों ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप तैयारी कैसे करते हो। अब दोस्तों मॉक टेस्ट में जो हमारा फाइनल 175 अंक का होगा, 75 में से एनसीसी वाले भाई, एनसीसी और होमगार्ड वाले अपने 5-5 नंबर निकाल देना इसमें से। ठीक है दोस्तों, अब जो 60 या 60 प्लस लेता है ना उसको मैं बेस्ट प्लस मानता हूं कि वो बेस्ट है, और उसको क्या करना चाहिए, उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी जो तैयारी है वो करनी चाहिए, ना कोई नया कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, जो उसके नोट्स है वही पढ़ने चाहिए। जो भाई 70 और जो 57 और 60 के बीच में रहेंगे मैं उनको कहूंगा कि आपकी तैयारी बढ़िया है, आपका सिलेक्शन हो सकता है, पर आप हो जो जो मैं बता रहा था 0.25 उस किनारे पे आप हो भाई, आप 0.25 वाले किनारे पे हो तो आपको थोड़ा सा और पढ़ना है। इसके अलावा भाई जिसके 57 नंबर या उससे कम नंबर आते हैं ना, मैं उसको ये कहूंगा कि आपकी तैयारी एवरेज है, अपने हिसाब से आप कर लेना, आपको और बहुत ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है। अब दोस्तों कई मेरे मित्र ऐसे होंगे वो कहेंगे अरे सर हमारे तो सबके 50 नंबर से भी कम आएंगे। भाई घबराना नहीं है, आपके साथ मैं हूं ना, आपको 30 नंबर रीजनिंग की तैयारी के मैं करवाऊंगा। दोस्तों हम मॉडल पेपर से ही ऐसे सीख जाएंगे कि हम 30 नंबर रीजनिंग के ला सकते हैं, 30 में से कम 25 तो ले आएंगे, तो दोस्तों हम अवेलेबल बन सकते हैं। दोस्तों एक कहावत होती है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, दोस्तों परफेक्ट बनना पड़ता है हमें। दोस्तों गलतियां दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, कहावत होती है ना दोस्तों कि खुद की गलतियों से सीखो। खुद गलतियां कब करेंगे दोस्तों, टेस्ट के अंदर जो हमारी परीक्षा होगी उसके अंदर जाकर तो हम गलतियां करने से रहें, तो उससे अच्छा है ना पहले हम सोल्ट पेपर करें और उससे हम गलतियां करें। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपके लिए ये लेके आया हूं। अब आपने कहा कि सर आपने इतनी बड़ा टाइम खींच दिया और आपने ये बताया नहीं कि हमारा मॉक टेस्ट लाइव होगा कब। अरे भाई हमारा मॉक टेस्ट लाइव होगा रविवार को 9 बजे, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट तो यही तो थी, 9 बजे हमारा मॉक टेस्ट होगा और जिसके अंदर आप सभी लाइव होंगे। तो दोस्तों ये 9 बजे हमारा ये जो मॉक टेस्ट है लाइव है उसमें आप भाग लेना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप भाग लेना छोड़ देते हैं तो जैसा मैंने आपको ये सारी बातें बताई थी, आप हमारे रीजनिंग के वीडियो देखते हो, आप हमारे जीके के वीडियो देखते हो चैनल पे, पर आपने अगर मॉक टेस्ट में भाग ले नहीं रहा ना दोस्तों, तो आपकी ये तैयारी में यूं समझ लीजिए कुछ कमी रह जाएगी, तो इस कमी को आप सुधारना है और मॉक टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेना है दोस्तों। बस दोस्तों मैं यही कहूँगा
ये वीडियो आपको अगर पसंद आया है, आपको लग रहा है कि हाँ हमें मॉक टेस्ट में भाग लेना चाहिए, तो इस वीडियो पे लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक से मुझे पता लगेगा, जितने मुझे इस वीडियो पे लाइक आएगा ना, उतना मुझे लगेगा कि हाँ आप उतने ही ज्यादा लाइव रहोगे और उतनी मुझे ज्यादा एनर्जी आएगी, तो मैं उतना ही अच्छा पेपर बना पाऊंगा इन 2 दिनों में। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, लेते हैं अलविदा।